नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम के बारे में, जो कि पोर्टर गवर्नर के लिए डिस्कस करेंगे, और जो कंट्रोलिंग फोर्स होती है वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कंट्रोलिंग फोर्स का। तो इसमें हम ले लेते हैं एक थ्रेड और उससे एक पत्थर को बांध लेते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट के अबाउट आप इसको यहाँ से पकड़ कर इसको घुमा रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट आप इसको घुमा रहे हैं, तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये जो पत्थर है। अब हमें पता है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो बाहर की तरफ होगी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और इसी तरह से इस जो सर्कुलर पाथ है इसमें इसको रखने के लिए एक अंदर की तरफ भी फोर्स लगेगी अलोंग द जो रेडियल डायरेक्शन है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और ये इसके बिल्कुल बराबर होती है, तभी ये जो स्ट्रिंग है हमारा टाइट रहता है और एक ये पत्थर जो है सर्कुलर पाथ जो है ट्रेवल करता रहता है। इसी तरह से गवर्नर के अंदर भी ये जो रेडियल फोर्स होती है ये लगती है अंदर की तरफ जब बॉल्स जो है घूमती हैं। बॉल्स कब घूमती हैं? अब हमें पता है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये आर्म्स होती हैं गवर्नर की और ये बॉल्स लगी होती हैं उसके ऊपर, तो ये भी जो है इस एक्सिस के अबाउट जो है घूमती हैं। तो इनको भी एक कंट्रोलिंग फोर्स चाहिए जिससे कि ये सर्कुलर पाथ में घूमती रहें और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बाहर की तरफ लग रही है उसी के बिल्कुल ऑपोजिट लगती है, तो यही कंट्रोलिंग फोर्स होती है। तो जो कंट्रोलिंग फोर्स होती है अगर इसकी वैल्यू को देखें हम, जो इनवर्ड की तरफ है इसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको हम एफ सी से डिनोट कर देते हैं कंट्रोलिंग फोर्स को। तो ये वैल्यू है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है, यानी कि जो फॉर्मूला है उसके बिल्कुल बराबर हमने ली है कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो यहाँ पर एक इनवर्ड रेडियल फोर्स लगती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा? इसका फॉर्मूला देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम देखेंगे। तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो है पोर्टर गवर्नर के लिए हम उसको देखेंगे। तो पहले जो है पोर्टर गवर्नर के लिए हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जो कंट्रोलिंग फोर्स है एफ सी वो किसके बराबर हमने ली? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर ली। ओमेगा क्या होता है? 2πN/60, यही होता है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2πN/60 का स्केयर और यहाँ पे आर। अब यहां से हम एन स्केयर की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यहां से एन स्केयर की वैल्यू को निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1m/60/2π का स्केयर और यहां पर एफ सी बाई आर आ जाएगा। ये आ जाएगा जब आपने क्या किया इस एन स्केयर की वैल्यू को निकाल लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ देखते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम देखते हैं। ये जो है डायग्राम हमारी बनती है इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो दो एक्सिस हैं ये कौन कौन से हैं? ये है रेडियस ऑफ रोटेशन और कंट्रोलिंग फोर्स के बीच में। तो कंट्रोलिंग फोर्स जो है रेडियस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है? जब बॉल जो है अप और डाउन जाती है तो रेडियस ऑफ रोटेशन भी तो जो है चेंज होगी, तभी तो कंट्रोलिंग फोर्स के अंदर चेंज आएगा। एक तरह से डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे कि ये आर्म है गवर्नर की, यहाँ पर ये बॉल्स लगी होती हैं और ये सेंट्रल एक्सिस है, और इस सेंटर से बॉल के सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ रोटेशन होती है। जब ये अप जाएगी तो रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी, डाउन आएगी तो रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज होगी। तो यानी कि रेडियस ऑफ रोटेशन के इंक्रीज डिक्रीज होने से जो कंट्रोलिंग फोर्स है तो उस पर तो डिपेंड फर्क पड़ेगा ही, तो उसके ऊपर तो ये डिपेंड करेगी ही। तो वही चीज हमने यहाँ पर ये दिखाई है। तो यहाँ पर अगर हम पोर्टर गवर्नर के केस में देखें तो हमें ये एक कर्व के रूप में मिलती है, इस तरह से एक कर्व के रूप में हमें ये मिलता है। और अगर हम इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ये पॉइंट ए ले लिया और इस पॉइंट ए को ओरिजिन से मिला देते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये इस लाइन और इसके बीच में, ये एंगल हमारा फाई होता है। तो ये भी हम समझेंगे ये जो एंगल है ये किस तरह से क्या काम करता है। तो अभी समझ लेते हैं, जैसे एक कर्व के रूप में बना हमारा, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है और अगर हम इसको ओरिजिन से मिला दें तो इन दोनों के बीच में ये एंगल फाई बनता है, और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से एक वर्टिकल यहाँ पर गिरा दें यानी कि परपेंडिकुलर, और इस तरह से एक यहाँ पर गिरा लें, तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग फोर्स जो है ये एफ सी है और ये जो है हमारा रेडियस ऑफ रोटेशन ये आर है। तो यहां से अगर हम एफ सी बाई आर को निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
ये आ जाता है टेन फाइव के बराबर आ जाता है। ये आर है और ये एफ सी है, यानी कि ये जो चीज है ये एफ सी हो गई हमारी और ये जो चीज है ये आर है, तो एफ सी बाई आर हमारे पास क्या हो जाएगा टेन फाइव। तो एफ सी बाई आर की वैल्यू हमने निकाली है कहां पर पुट करने के लिए, जो हमने यहां पर ये रिलेशन निकाली थी यहां पर पुट करने के लिए, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय एम 60 बाय 2 पाई का स्क्वायर ये आ गया, और एफ बाई आर की जगह अभी यहां पर ये क्या आ गया 10 फाई आ जाता है। और यहां से अगर हम एन की वैल्यू को निकालते हैं तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 60 बाय 2 पाई, यानी कि स्क्वायर तो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 फाई और ये डिवाइड में एम ले लेते हैं, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा या 1 बाय 2 पावर आ जाएगी। तो n का रिलेशन जो है इसके लिए ये आ जाता है, यानी कि ये जो स्पीड है n जो है RPM रनिंग पर मिनट जो है उसका रिलेशन आप इसके साथ निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हमने निकाला, तो ये गवर्नर के केस में जो हमने डायग्राम बनाई है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाई है ये हमने एंगल लिया था, अब ये जो फाई एंगल है इसके रिलेशन क्या है, यानी कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन है और जो ये हमने पॉइंट के अबाउट ये लाइन ली है, तो इसके लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। तो चलिए उनको समझते हैं। फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए क्या होगा, जो एंगल फाई होता है वो इंक्रीज करना चाहिए रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ गवर्नर बॉल्स भी जो है अगर इंक्रीज करती हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल है जो कि ये है, यानी कि इस सेंटर एक्सिस से इस सेंटर ऑफ द बॉल तक का जो डिस्टेंस है आर, तो फाई जो है इंक्रीज करेगा, अगर रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगी तभी वो स्टेबिलिटी कंडीशन होगी। एक तरह से कह लें कि स्पीड इंक्रीज होगी तो जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज होगी। इस फिगर से देखें, देखिए ये जो फाई एंगल है, अगर मान लीजिए इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट ले लें और उसको जो है आप ओरिजिन से मिला देते हैं, जैसे ये गया और इसी तरह से ये गया यहां से, इसी तरह से ये इस पॉइंट से ओरिजिन से गई, अब ये जो फाई एंगल है ये इंक्रीज होता जा रहा है, पहले इतना था फिर इतना फिर इतना, यानी कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगी उसके साथ जो है फाई एंगल भी इंक्रीज करना चाहिए, तो तभी जो है वो स्टेबिलिटी की कंडीशन मानी जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि एंगल फाई मस्ट इंक्रीज विद रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ गवर्नर बॉल्स। दूसरा, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए क्या होगा, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जैसे कि यहां पर ये दिखाई गई है, ये स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये होगा आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए। यानी कि जो एंगल फाई होगा, अगर ये एंगल फाई देखें ये कॉन्स्टेंट होगा हर एक जो रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए, ये जो फाई एंगल है अब ये तो इतना ही रहेगा, तो हर एक रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए इतनी हो इतनी हो इतनी हो ये फाई जो एंगल है कॉन्स्टेंट रहेगा उस केस के लिए, कोई भी वैल्यू हो रेडियस ऑफ रोटेशन की जो गवर्नर की बोल्स हैं उनकी। तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम इसके रिलेशन को देखें, तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आई थी, रिलेशन क्या आई थी हमारे पास, जो टेन फाई था वो हमने एफ सी बाई आर लिया था, ये हमने लिया था, एफ सी हमारे पास क्या है यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर है और डिवाइड में आर है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे एम ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे वो क्या होती है टू पाई एन बाई सिक्सटी, तो ये टू पाई एन बाई सिक्सटी का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर अगर आप C को ये वैल्यू ले लें m by m into 2 by 60 का स्क्वायर, यानी कि m into 2 by 60 का स्क्वायर इसको C के बराबर ले लें तो ये वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इस टर्म को इसका जो स्क्वायर है पूरी टर्म को C पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी सी एन का स्क्वायर जो हमारा टेन फाइव है, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर जो हमने ये C लिया है ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने ये माननी है, तो 10 फाई जो है इसके बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं और C कांस्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये जो वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल फाई है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इस रिलेशन से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन के लिए, यानी कि जो आरपीएम है उसके लिए, और जो लाइन्स हैं जो ग्राफ के ऊपर अलग अलग तरह की जो लाइन्स हैं वो आप ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन से, तो ये भी जो है आगे हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उनके अंदर। तो आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए हमने देखा कि ये जो है फाई जो है कांस्टेंट रहता है, एंगल फाई विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर। अगर हम मोर सेंसिटिविटी की बात करते हैं गवर्नर की,
तो वो कब होगी? तो चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल फाई ओवर द चेंज ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर गवर्नर की सेंसिटिविटी की बात करें, यानी कि जो गवर्नर है वो मोर सेंसिटिव कब होगा, जब ये वैल्यू ऑफ एंगल फाई है, जो भी रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए ये जो चेंज इन वैल्यू ऑफ एंगल फाई होगी वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल होनी चाहिए, तो ये मोर सेंसिटिविटी की टर्म आ जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो क्या होती है और जो हमारी कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है वो क्या होती है। पोटर गवर्नर के लिए हमने डिस्कस की है, और जैसे हमने बात की थी कि जो टेन फाई और ये जो हमने रिलेशन निकाला था, जो टेन फाई इक्वल टू सी एन स्केयर, यानी कि फाई की वैल्यू एन स्केयर के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डायग्राम बनाते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस हम इस तरह से लेते हैं, और ये जो एक्सिस होता है ये आरपीएम का एक्सिस होता है, यानी कि स्पीड का एक्सिस होता है। तो यहाँ पर आप एन शो करते हैं, और कोई भी पॉइंट के लिए जब आप ओरिजिन से एक लाइन लगाते हैं तो यहाँ पर जो है आरपीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग फोर्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।